देख रहे हैं। महीने में करीब 1,000-80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने करीब 1 साल मुंह का चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन हो रहा है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। कोई तो सुन ले किसानों की चीख, किसान पछता रहे हैं उगा कर ही सियासी चिंता से चिता कर। चलिए, हमने इस सबसे बड़ी समस्या पर एक बड़ी बहस की। सिर्फ समस्या बता कर शो खत्म करना ये हमारे यहाँ का फॉर्मेट नहीं है, ना हमारी संस्कृति है। हम आपको पहले समस्या बताते हैं और उसके बाद, चूंकि सरकार में बैठे लोग वो गोल गोल बातें करते हैं, गड़बड़ झाला करते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं, जवाब देते हैं, तो हम सोल्यूशन भी उनको बताते हैं जो सार्थकता के साथ हों। तो मुझे लगता है कि साहब बीएम सिंह साहब से ज्यादा बेहतर पढ़ा लिखा व्यक्ति, जानकार व्यक्ति और किसानों का हितकारी, जिसने अपने खुद के पैसे से कोर्ट कचहरी तमाम किया, पिछले कई वर्षों से कर रहा हो, इससे बेहतर एक्सपर्ट हमारे पास कोई नहीं हो सकते। तो सिंह साहब, मैं चाहूंगा कि सोल्यूशन के मुद्दे पर बात करें कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे क्या हो कि किसान अच्छी स्थिति में आ जाए, सरकार भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर ले और मिल मालिकों का दिमाग भी लाइन पर आ जाए। 5 मिनट का काम है केवल जी। अगर सरकार नोटिस इशू कर दे मिलों को, हाँ शाहिद भाई जरूर सुन ले इसको, सरकार अगर फोन कट गया है, वो आज दोबारा जुड़ेंगे हमारे साथ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। कम से कम हमारे व्यूज तो देख पाएंगे जी, जी जी। अगर सरकार नोटिस इशू कर दे एक्विजिशन के लिए, हाँ। राज्य सरकार 71 के एक्ट के, हाँ। शुगर केन अंडरटेकिंग टेकिंग ओवर वो एक्विजिशन एक्ट 71 वाला, उसमें नोटिस इशू कर दे एक्वायर करने के लिए, या केंद्र सरकार इशू कर दे या राज्य सरकार इशू कर दे टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट के लिए, 3 साल के लिए या 2 साल के लिए, बस केवल मैनेजमेंट होगा। उसमें क्या होगा, 3 साल आप मैनेजमेंट इनका ले सकते हैं केवल 1,250 रुपए प्रतिदिन के। आप मुझे बताइए 400 करोड़ का कौन सा लाला आपको 1,250 रुपए रोज के ऊपर अपनी फैक्ट्री छोड़ देगा। आप नोटिस करोगे अक्वायर करने के लिए, 24 घंटे में पुराना बकाया भी आपको दे दिया जाएगा और आगे मिल चालू हो जाएगी, आपके नगद पैसा होगा आपका। ये बिल्कुल 78 के अंदर टेस्टेड मटेरियल है, ये फैक्ट है, ये 1 मिनट लगता है। और दूसरा, ये मिल मालिक बार बार जो कहते हैं कि रेट कम है, चीनी का रेट कम है, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा चीनी का रेट कम नहीं है। जैसे आपने कहा बाई प्रोडक्ट्स को मिला के 400 रुपए के आसपास ये कीमत दे सकते हैं, 350 जरूर दे सकते हैं। और इन्होंने इतने बाई प्रोडक्ट के पैसे से 40 मिले थी आज से 8 साल पहले, आज 100 मिले प्राइवेट हो गई हैं। अगर एक चीज समझे आप कि अगर हम इनके मुनाफे के हिस्सेदार नहीं थे, आज अगर चीनी का रेट कम भी हो गया हम घाटे के हिस्सेदार क्यों होंगे भाई। एक बात है, जब आप लड्डू खा रहे थे तब तो किसी को पूछा नहीं, बिल्कुल पूछा नहीं आपने। और केवल जो राज्य सरकार है उसको अपने चिंतन करने का सवाल उठता है। आपकी 24 मिले थी, 23 आपकी कॉपरेटिव थी, 1 आपकी निगम की थी, जब किसान मर रहा था, लुट रहा था, क्रशर के सामने भीख मांग रहा था। अगर आप 1 महीना पहले अपनी सरकार अपनी जो मिले चालू कर देते तो आज दिक्कत नहीं आती। ये मिल मालिक भाग भाग के गन्ना लेते। इस बार बाढ़ के बाद, उत्तरांचल के बाद गन्ना बहुत कम हो गया है, आधा गन्ना रह गया है। केवल किसान का जो आधा गन्ना है आप उसको जो है आप ऊपर से पैसा नहीं दे रहे उसको, आपको चाहिए कि उसको आज जो है सब्सिडी दे, आज उसको बोनस दे। अरे उसका पैसा तो कम से कम सही रेट पे जाने दो, जो हो गया सो हो गया, आगे कम से कम सरकार एक्ट करे, किसान को बचाने का काम करे जी। मुन्ना सिंह चौहान साहब, क्या दिक्कत है इन सब, इस पूरे प्रोसेस में क्या दिक्कत है, आपके पास 1 मिनट है, संक्षेप में बात कीजिए। देखिए, इनको जैसे राष्ट्रीय लोकदल ने 21 तारीख को केन कमिश्नर का घेराव किया था तो उन्होंने समझौता किया था कि 24 तारीख तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और 30 तारीख तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य की सारी चीनी मिलें चल जाएंगी, और अगर 24 तक नहीं चलेंगी तो हम वैधानिक कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम उनका अधिग्रहण शुरू कर देंगे। तो सरकार अपने वादे से हट रही है, अगर सरकार चाहे होती है। और दूसरा एक सवाल अग्नोत्री साहब और है, अभी भी बलरामपुर बजाज ये सारी चीनी मिले लोगों को, किसानों को फ्री पैसे पर ब्याज पर जो है गन्ना देकर के बुआई कर रहे हैं। बलरामपुर जो है अभी भी बुआई करा रहा, तो अगर इनको गन्ना नहीं खरीदना था तो किसान को अभी भी क्यों बुआई करा रहे हैं, क्यों उनको लूट रहे हैं। तो इसीलिए जो है राष्ट्रीय लोकदल ने चौधरी साहब के आदेश पर 1 तारीख को
पूरे प्रदेश के चक्का जाम आंदोलन करेगा। अगर सरकार न चेती तो और बड़े आंदोलन किए जाएंगे ठीक है कीमत पर, उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग बर्बाद ना हो और गन्ना किसान ना बर्बाद हो, ये राष्ट्रीय लोकदल ने संकल्प लिया है जी। पाठक साहब एक मिनट आपके पास है, मैं चाहूंगा कि इस पूरी चर्चा को समाप्त किया जाए और क्या सोल्यूशन है आपकी आपके दिमाग में भाजपा की तरफ से, उसको भी थोड़ा बताया जाए। देखिए सरकार को कथनी और करनी में को ठीक करना चाहिए, सरकार नियति ठीक करे सारी चीजें ठीक हो जाएंगे। जो एक घंटे की चर्चा हुई और जो सुझाव आए उन सबका मूल हल यह है कि सरकार पहले अपनी नियति ठीक करे। ठीक है, जो मैंने प्रारंभ में कहा और चर्चा के बिंदु में भी है कि इन लोगों को मिल मालिकों को कोई घाटा नहीं हो रहा है, केवल सरकार को इंसिस्ट करने की जरूरत है, थ्रस्ट करने की जरूरत है। आखिर ये सारे काम हो क्यों नहीं रहे, और जो अलग अलग पावर सेंटर है वह सारे लोग क्यों नहीं एक सेंटर बन करके जनता के हितों की बात करते हैं। जी सरकार एक अभी मैं आप समाचार पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था आपने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस का और कई हेड गए हैं, मुख्यमंत्री को जाना था मुख्यमंत्री गए ही नहीं। हाँ, तो सरकार हाँ, कहती तो है कि वो विकास करना चाहती है, पहले तो अखबार और नेता सरकार के निशाने पे थे, अब उद्योगपतियों को भी आज सरकार के शामिल लोगों ने निशाने पे लिया है, कहा कि उद्योगपति भी सियासत की बात कर रहे हैं। ठीक तो है, उत्तर प्रदेश में जो सही बात करेगा वो केवल सियासत की बात करेगा, वो आरोपित तो होगा, यह सच है जी। बीटी साहब 30 सेकंड आपके पास है, अपनी बात को खत्म कीजिए प्लीज, 30 सेकंड। मैं बताना चाहूंगा अग्रवाल जी, जी ये जो 2014 का जो चुनाव आ रहा है, हाँ, सरकार ने जितना जो कुछ किया है किसानों के साथ में 50 लाख किसानों से खिलवाड़ करके यहाँ 1.5 करोड़ किसान, इंडिया का जो है सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यहाँ 80 लोकसभा की सीट है, इस सरकार को इस चुनाव में इसका रिजल्ट मिल जाएगा, जीरो से पिटेगी मुख्यमंत्री साहब जो है इसे देख लेंगे, जीरो से जाएगी। ठीक है, और बस 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 टाइम खत्म हो गया, बस हम लोग देखिए घड़ी की टिक टिक पे हर चीज टिकी है जी। ओंकार सिंह साहब आधा मिनट आपके पास है, मैं चाहूंगा कि इस आधे मिनट में अपनी बात आप कह सकते हैं, क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। देखो ये अब तो यही होना चाहिए, किसी हिसाब से फैक्ट्री चलाऊं, हाँ, गन्ने को लें, हाँ, बाकी किसान तो बिल्कुल मरा पड़ा है इस टाइम, 80 रूपये क्विंटल चरखी ले रही है, 80 में बाह रहे हैं लोग, 80 में भी ये पूरा गन्ना खरीद नहीं सकते, किसी ने खरीद लिया 50 क्विंटल, किसी ने 60 क्विंटल। एक मिनट के लिए बोलना चाहूंगा जी। बीएम सिंह साहब आप एक मिनट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। केवल मैं आपके माध्यम से 54 लाख रजिस्टर्ड किसानों को अपील करना चाहूंगा, हाँ, कि कोई आत्महत्या ना करे, कोई इस चीज में नहीं फंसे। 10 दिन की बात है, कोर्ट आपको आदेश देगा, आपको राहत दिलवाएगा, पुराना पैसा आपका मैं वायदा तो नहीं करता पर मालिक ने चाहा तो वायदा ही कर सकता हूं कि आपको ब्याज समेत मिलेगा। किसी को ऐसी कोई बात करने की जरूरत नहीं है जिससे मिल माल के हौसले बढ़े, हमें किसानों का हौसला बढ़ाना है केवल जी। भाई गोविंद राजू 30 सेकेंड्स जी। मैं सबसे पहले तो जो अमिताभ जी ने बहुत शुरू में सवाल उठाया था कि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनका राज क्या है, तो हाँ, चीनी मिल मालिकों का जो पक्ष इसके बारे में है, हाँ, वो मैं बताना चाहूंगा कि उनके हिसाब से 13.80 रूपये सीरा उनको प्रति क्विंटल मिलता है एक क्विंटल गन्ने से, 9.66 रूपये बगास मिलती है और 46 पैसे उनको जो मैली होती है जो काला लास्ट में बचता है वो मिलता है, ये उनका आंकड़ा है बाय प्रोडक्ट का। जहां तक बात इस समस्या के समाधान की है, मुझे लगता है कि इसके समाधान दो ही तरीके से हो सकते हैं। पहला समाधान, सरकारें केंद्र और राज्य की सरकारें मिल मालिकों के कब्जे में आकर उनकी मदद के लिए उनके लिए पैकेज की घोषणा करें और इस तरीके से ये मिल चलेंगी। और दूसरा समाधान जो मुझे बीएम सिंह साहब की तरफ से दिखाई देता है, पिछले 15 साल से इन्हीं की जो ये लड़ाई लड़ते रहे हैं अदालतों के जरिए, उसी अदालतों के फैसलों से उत्तर प्रदेश में किसानों को न्याय मिला है, मुझे लगता है एक बार फिर इन्हीं की लड़ाई के जरिए किसानों को न्याय मिलेगा, यही मुझे इस मामले का समाधान। ठीक है, ठीक है, चलिए अब वक्त संवाद की टिप्पणी का है, सब धैर्य पूरा सुनिएगा, 2 मिनट। अतुल मैं लेकिन इससे पहले बीएम सिंह साहब के पास एक बार जाऊंगा, हाँ, गोविंद जी ने जो गन्ना किस मिल है जो शुगर मिल उनके मालिकों ने जो तथ्य दिए हैं, मैं उस पर एक बार बीएम सिंह साहब की का क्लेरिफिकेशन जरूर चाहूंगा। मैं केवल आपको बताना चाहूंगा ये चीज इन्होंने कोर्ट में कही थी, कोर्ट ने इनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी, इन्होंने कही थी 2006-2007 में। हकीकत यह है कि आज 150-175 रूपये के बीच में बाई प्रोडक्ट से पैसा आता है, और अगर 9% भी चीनी का हुआ और 30 रूपये भी रेट हुआ
तो 27 रूपये वहां से आता है। तभी मैंने आपसे कहा कि ये 400 रूपये दे सकते हैं और इनका खर्चा आता है केवल 50 रूपये क्रशिंग का। ये वो आंकड़े हैं जिनको उत्तर प्रदेश की अदालत ने और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। बहुत सालों से ये इन आंकड़ों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं 15-20 लोग मिलकर। इन आंकड़ों की दुकान बहुत सालों से सजाए हैं लेकिन अदालतें नहीं मान रही, लेकिन सरकार इनकी अधर्मिता को सिर माथे पर लेकर चल रही है। ये तो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में परोपकार करने आए हैं केवल। हाँ। और एक प्रातस्मरणी थे, उन्होंने परोपकार में इतनी चीनी मिले खरीद ली मायावती जी के समय में, वो भी परोपकार करने आए थे, वो शराब भी बनाते थे और चीनी भी खिलाते थे। गुनाह तो सिर्फ नहीं, पंजीरी भी पुष्टाहार भी करते थे, बाल पुष्टाहार पुष्टाहार भी करते थे, पंजीरी भी खिलाते थे, भाई वो तो धन्य थे। चलिए 2 मिनट संपाद की टिप्पणी की। मैं फिर कहूं, गन्ना नहीं किसान को पेड़ दिया आपने कोल्हू में, बिल्कुल ऐसी असंवेदनशील व्यवस्था। मैं तो भीम सिंह साहब तो पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं। मैं तो एक बात जानता हूं, थाने में दरोगा और सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री, उनका इकबाल इतना बुलंद होना चाहिए कि आंख के इस इशारे पर सिस्टम चले। क्या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट इन मसलों के लिए बना है कि मिल चलवाओ? शर्म की बात है कि मिल चलाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़े, दाम तय करने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दौड़ना पड़े भीम सिंह को। ये काम तो आपकी भकुटी से होना चाहिए, मजाक है। मुख्यमंत्री जिसके साथ बैठ ले वो वार्ता अनिर्णय के बाद खत्म हो, ये मुख्यमंत्री के पद का अवमूल्यन हो जाता है। 10 पैसे वाले लोग आए, मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरे चैंबर में अगर 10 ऐसे उद्योगपति आए और उसके बाद बाहर निकल के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि हमने सरकार को 2 टूक कह दिया, जो चाहे करे, दबाव में नहीं झुकेंगे, मिल नहीं चलाएंगे, तो फिर वो उत्तर प्रदेश में या तो मेरे रहने का औचित्य नहीं या फिर उनका व्यापार करने का औचित्य नहीं। ये बात हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते आके गोरखपुर वाले, तो मैं झुक के स्वीकार करता, सेवा का काम कर रहे हैं। डोंगरे जी महाराज बोलते तो स्वीकार करता, जो धंधा कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, जैसा भीम सिंह जी ने अभी आंकड़ों के साथ बताया, जो अदालत ने स्वीकार किया, ये नेतागिरी के आंकड़े नहीं, रालोद और सपा और भाजपा और बसपा के आंकड़े नहीं, ये तो उनकी बैलेंस शीट देख के बोल रहे हैं। आपका मुनाफा बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए था, चीफ सेक्रेटरी को ये कहना चाहिए था कि भाई साहब आपकी बैलेंस शीट तो कुछ और बोल रही है, आप टोटल स्यापा क्यों कर रहे हैं? एक फिल्म शायद आई है टोटल स्यापा आने वाली है, आने वाली है। हाँ। ये टोटल स्यापा चल रहा है। हाँ। और आप धूल झोंक रहे हैं आंखों में, और अगर ढांटा भी हो तो भी सरकार का कर्तव्य है, वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है दुनिया में उसके तहत सरकार उससे मुक्त नहीं हो सकती, उस जिम्मेदारी से कि 50 लाख किसानों को मृत्यु के हवाले नहीं किया जा सकता। एक आंकड़ा मुझे स्मरण आ रहा है, 2005 से 2011 के बीच में 2,90,000 किसानों ने आत्महत्या की है, यानी एक महीने में 4,100 किसान प्रतिदिन में जोड़ के देखिएगा, आंख में आंसू आ जाएगा। इसलिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, इन्होंने कुर्बानियां दी थी, इसलिए लोगों ने गोली खाई थी, इसलिए अंग्रेजों को भगाया था, इसलिए आपातकाल से लड़े थे इंदिरा जी के, इसलिए कि 3 लाख किसान मौत को गले लगा ले सिर्फ 6 साल में आजाद भारत में। इससे शर्म की बात कोई, बहुत शर्म की बात है, बहुत बहुत जी। और अभी तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार जो चीनी मिल मालिक हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की सुनती क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सांठगांठ वाली दोस्ती हो, सांठगांठ वाली कार्रवाई हो कि साहब चोर से कहे चोरी कर, साहूकार से कहे जागत रह, चोर आवत है, ये वाला खेल तो नहीं है कहीं? यही है जी, बिल्कुल यही। कहीं ये मिठाई के बंदरबाट तो नहीं है कि कमरे में हाथ हीटी हो रही है, समोसे चाय खाई जा रहे हैं, बाहर निकल के बोला गया कि ठीक है तुम ये बोलना और मैं ये कहूंगा, फिर मैं करेंगे अपन वही जो अपन ने बाद में रात में तय किया था, और तुम मेरा हिस्सा भिजवा दो, अपने अपने पास रखो, किसानों को देख लेंगे। अगर ये वैसा है तो 2014 सर पर है माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश जी, माननीय आजम खान साहब, बिल्कुल। और अगर ये वैसा नहीं है तो चिंता करने की बात और ज्यादा है कि मुख्यमंत्री जी आपके सूबे में आपका ही इकबाल नहीं रहा,
वो 10-20 घराने, व्यापारी घराने आपको भी नहीं सेंट रहे, आपकी बात भी नहीं मान रहे मुख्यमंत्री जी, ये तो और चिंता की बात है। देख लीजिए, ये दोनों स्थितियां आपके लिए ठीक नहीं है। और तीसरी स्थिति जो है वो दलाली की है, वो कमीशनखोरी की है, वो उगाही की है। अगर ये स्थिति